दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत से जीव पाए जाते हैं और सभी जीवों में एक ही समानता है कि जिस भी जीव ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीवों से अलग है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए, रीति रिवाजों का पालन करते हुए एक अनुशासित जीवन जीता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद भी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मानव जीवन को सफलता मिलती है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हर धर्म जाति समुदाय में अलग अलग प्रकार से की जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईसाई धर्म में अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसी तरह की नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, ईसाई धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। इसके तबाइन ईसाई कहलाते हैं। ईसाई धर्म के पैरोकार ईसा मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं। दुनिया भर में लगभग 2.4 बिलियन लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनाता है। यह लगभग 2000 साल पहले यहूदियों की भूमि में शुरू हुआ था, जो आज यरूशलेम इज़राइल है। ईसाई ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जिन्हें वे पूरी मानवता के लिए मसीहा मानते हैं। ईसा की शिक्षा प्रेम, क्षमा, शांति और आशा पर केंद्रित थी। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह ने सूली पर लटककर और 3 दिन बाद पुनर्जीवित होकर अपने मृत्यु एवं बलिदान से पाप और मृत्यु पर विजय हासिल कर लिया है। ईसाई धर्म के अनुयायी जो ईसा मसीह में आस्था रखते हैं और सदाचार का जीवन जीते हैं, वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और शारीरिक मृत्यु के बाद उन्हें ईश्वर के करीब ले जाया जाता है। इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए ईसाई धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी की जाती है। दोस्तों, ईसाई धर्म की गिनती इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े धर्म में होती है। ये एक ऐसा धर्म है जिससे जुड़े लोग दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। ईसाई धर्म में मृत्यु को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। इस धर्म के मुताबिक मृत्यु भगवान से पुनर्मिलन का एक रास्ता है। यही वजह है कि ईसाई धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो इस दुख के साथ साथ आशावादी नजरों से भी देखा जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते हैं। ईसाइयों की इस मान्यता के पीछे बड़ी धार्मिक वजह छिपी हुई है। दरअसल, ईसाई धर्म के मसीहा ईसा को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उसके 3 दिन बाद वो पुनर्जीवित हो गए थे। ईसाइयों की धार्मिक मान्यता के अनुसार मसीहा ईसा ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मानव जीवन के उद्धार का काम किया और फिर सूली पर चढ़कर एवं पुनर्जीवित होकर मृत्यु के बाद भी मनुष्य के जीवन को संभव बनाया। दोस्तों, ईसाई धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में दाह संस्कार को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है, ईसाई धर्म के अनुयायी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार ईसाइयों का मानना है कि यदि मृतक शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया तो न्याय के लिए वो पुनर्जीवित नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि ईसाई धर्म में मृत शरीर को दफनाने का प्रावधान है। ईसाई धर्म में अंतिम संस्कार के लिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है और उसे एक लकड़ी से बने ताबूत में रख दिया जाता है। ईसाई धर्म में मोक्ष को काफी महत्व दिया जाता है, इसलिए मृत शरीर के सीने पर मोक्ष के चिन्ह के तौर पर क्रॉस रखा जाता है। फिर शव को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाता है। इसके बाद शव को ताबूत में रखकर चर्च के ही कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। एक बड़ा खड्डा खोदकर उसमें ताबूत को दफना दिया जाता है।
और उसके ऊपर एक समाधि स्थल बना दिया जाता है। शव को दफनाने से पहले प्रार्थना की जाती है और ईश्वर को संबोधित करते हुए एक खास शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिसमें इस शरीर के हर कण को ईश्वर को समर्पित किए जाने की बात की जाती है। दोस्तों, वैसे तो ईसाई धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े नियम लगभग हर जगह समान हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसमें बदलाव भी देखने को मिले हैं। जैसे ब्रिटेन, सीरिया जैसे देश में रहने वाले ईसाइयों के अंतिम संस्कार से जुड़े नियम अलग हैं। पादरियों का अंतिम संस्कार भी अलग प्रकार से किया जाता है। ब्रिटेन में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे दफनाने से पहले दाह संस्कार किया जाता है। यूं तो ईसाई धर्म में शव को जलाने की मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ब्रिटेन में ईसाई धर्म से जुड़े लोग शव को जलाने के बाद राख को दफनाते हैं। ब्रिटेन में जब किसी ईसाई की मृत्यु होती है तो सबसे पहले मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करके एक ताबूत में रख दिया जाता है। ताबूत पर उसके नाम का एक नेम प्लेट चिपका दिया जाता है। दाह संस्कार से पहले एक शोक सभा का आयोजन होता है, जिसमें मृतक के परिवार, करीबी और रिश्तेदार उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके पश्चात ताबूत को दाह तीत होने लगता है कि व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ गई है, तो उसी समय पादरी को बुला लिया जाता है। पादरी प्रार्थना करते हैं, मृत्यु के नजदीक जा रहे व्यक्ति के कान में धर्म से जुड़ी बातें कहते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसे नहला धुलाकर साफ वस्त्र पहनाकर शव के सिर को पश्चिम दिशा व पैर को पूर्व दिशा में रखकर लिटा दिया जाता है। इसके पश्चात शव के निकट मोमबत्तियां और लोबान जला दी जाती है और फिर प्रार्थना की जाती है। इसके पश्चात पादरी तेल से शव के चेहरे, घुटने और सीने पर क्रॉस का निशान बनाते हैं। तत्पश्चात शव को ताबूत में रखकर चर्च के निकट दफनाने के लिए ले जाया जाता है। ताबूत को कब्र में रखने के बाद सबसे पहले पादरी मिट्टी से ताबूत पर क्रॉस का निशान बनाता है। इसके पश्चात सब लोग मिट्टी डालकर शव को दफनाते हैं। दोस्तों, पादरी ईसाई धर्म के धर्मगुरु होते हैं। इनके अंतिम संस्कार की विधि आम लोगों से अलग होती है। जब कोई पादरी गंभीर रूप से बीमार होता है और यह प्रतीत होने लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है, तो चर्च में भजन और प्रार्थनाएं शुरू कर दी जाती हैं और चर्च की घंटियां बजाई जाने लगती हैं। जब पादरी की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद शव को नहला धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनाकर शव के सीने पर तेल से क्रॉस बनाकर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को ताबूत में रखा जाता है, फिर चर्च के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर ताबूत को रख दिया जाता है, फिर प्रार्थना होती है। इसके पश्चात ताबूत को कब्र में रखा जाता है, फिर अंतिम संस्कार की क्रिया कर रहे पादरी ताबूत पर पवित्र जल छिड़ककर दफनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले पादरी ही क्रॉस के आकार में कब्र में मिट्टी डालते हैं। इसके पश्चात वहां मौजूद सभी लोग कब्र में मिट्टी डालते हैं और फूल चढ़ाते हैं। शव को दफनाने के बाद पादरी वहां मौजूद सभी लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।